दोस्तों यहाँ पे आप एक टीवी देख रहे हैं और इस टीवी की डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है कि जब हम इस टीवी को पावर ऑन कर रहे हैं, यानी कि रिमोट से जब हम इसको ऑन करते हैं, तो ऑन होने के बाद क्या होता है कि जो इसकी पावर की लाइट है, जो कि रेड कलर में आपको दिखेगी, कि जब टीवी रिमोट से आप बंद करते हैं तो बंद करने के बाद इस तरह की रेड लाइट जलती है, और जब आप टीवी को ऑन करते हैं तो ये लाइट बंद हो जाती है। अभी यहाँ डिस्प्ले की प्रॉब्लम कुछ इस तरह से आ रही है कि जब मैं इसको रिमोट से ऑन करता हूँ, तो रिमोट से ऑन करने के बाद ये जो लाइट है ये 3 बार ब्लिंक करती है, और 3 बार ब्लिंक करने के बाद कोई भी एक्टिविटी इसमें नहीं होती है, टीवी ऑन नहीं हो रहा है, इसका डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लैक है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई भी लाइट नहीं है इसके अंदर, सिर्फ जो इसकी लाइट है वो 2-3 बार ब्लिंक होती है और उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती है, और ये एक्टिविटी भी इसमें लगातार नहीं हो रही है। इसमें क्या हो रहा है कि 4-5 मिनट के बाद एक बार जब मैं रिमोट से इसको ऑन करता हूँ तो लाइट जो है 3 बार ब्लिंक करती है और बंद हो जाता है, उसके बाद लाइट ब्लिंक नहीं करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं कंटिन्यूअसली जो है रिमोट की बटन जो है पावर बटन जो है मैं दबा रहा हूँ, और कंटिन्यूअसली दबाने के बाद हो क्या रहा है कि कभी कभी जो टीवी की लाइट है वो 3 बार ब्लिंक कर रही है, लेकिन उसके अलावा इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि टीवी को कई बार पावर से जो पूरा स्विच बोर्ड है वहाँ से पूरा पावर बंद किया, फिर ऑन किया, और जो इसका पावर केबल है उसको भी चेंज करके दूसरा पावर केबल लगाया, उससे भी इसमें कुछ भी हरकत नहीं हुई, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। फाइनली फिर जो है मैंने जो है टेक्नीशियन को दिखाया, जो टीवी रिपेयर करने वाला है इंजीनियर, उसको बुलाया, उसको दिखाया, और उसने भी चेक किया। उसने चेक करने के बाद मुझे बताया कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसके अंदर जो छोटा सा मदरबोर्ड होता है, देखिए इस तरह की जो एलईडी टीवी होती हैं इनमें अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक डिस्प्ले होता है जो कि बाहर आपको पिक्चर दिखाता है, और बैक साइड में अंदर डिस्प्ले के पीछे कुछ स्पीकर होते हैं, वाईफाई डोंगल होता है, और एक क्या होता है मदरबोर्ड होता है। ये जो मदरबोर्ड होता है सारा जो सिस्टम है टीवी का वही मदरबोर्ड कंट्रोल करता है। आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं छोटा सा जो है मदरबोर्ड है, ये इसी का इस टीवी का जो है मदरबोर्ड है, और इस टीवी का जो मदरबोर्ड है वो, और हर टीवी का जो मदरबोर्ड है वो उसके मॉडल के हिसाब से होता है। इसका मॉडल नंबर भी आप सामने देख रहे हैं। तो इंजीनियर ने मुझे बताया कि इसका जो मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसमें पावर की प्रॉब्लम आ रही है, सप्लाई इसको नहीं मिल पा रही है। तो उसने जो इसका मदरबोर्ड का खर्चा बताया वो बताया कि हर मॉडल का मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग होता है, मतलब कि जो स्मार्ट टीवी आजकल आ रही है उनका जो मदरबोर्ड होता है वो 3,000 से लेके 5,000 रुपये के बीच में होता है, अकॉर्डिंग टू देयर मॉडल। तो मॉडल के हिसाब से इसका जो है ये करीब 3 से 4 हज़ार के बीच में उसने बताया कि जो नया मदरबोर्ड है वो इसका मिलेगा, और एक चांस ये भी होता है कि मदरबोर्ड रिपेयर हो जाता है, तो अगर मदरबोर्ड रिपेयर हो जाता है तो 2 से 2,500 रुपये का खर्चा आता है। तो फाइनली क्या हुआ कि रिपेयर की हमने कोशिश की कि ये मदरबोर्ड रिपेयर हो जाए, तो रिपेयर तो नहीं हो पाया, ये रिपेयर में उसने मना कर दिया कुछ देर के बाद कि रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो फाइनली हमें इसका जो है मदरबोर्ड चेंज कराना पड़ा। अब मदरबोर्ड चेंज कराने के बाद देखिए जो प्रॉब्लम थी, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं डायरेक्ट जो है इसको पावर देने के बाद, देखिए इसको ऑन कर रहे हैं, लाइट देख रहे हैं आप, लाइट जल रही है, कंटिन्यूसली जल रही है, पहले नहीं जल रही थी। ये देखिए ये ऑन हो गया है, टीवी ऑन हो गया है, लाइट आप देखेंगे लाइट बंद हो गई है, 2-3 बार डिप करने के बाद लाइट जो है वो बंद हो गई है। देखिए दोबारा मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ तो ये ऑफ़ हो गया है, ऑफ़ होने के बाद टीवी की लाइट कंटिन्यूसली जल रही है, फिर ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन करेंगे देखिए टीवी ऑन हो गया है। तो अभी डिस्प्ले की जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ये जो प्रॉब्लम थी लाइट ब्लिंक होने की और डिस्प्ले ना आने की, उसकी जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो मदरबोर्ड था, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम थी। तो आप इस तरह की प्रॉब्लम में मदरबोर्ड को या तो रिपेयर करवा सकते हैं अगर रिपेयर हो जाए, नहीं तो आपको मदरबोर्ड चेंज कराना होता है।